हम सबको दूसरों के प्रॉब्लम का सलूशन पता है. या ट्रू. हमको पता है कि अगर हमारे दोस्त के पास ये प्रॉब्लम है तो इसका जवाब ये है, बट हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका जवाब आई हैव अ प्रॉब्लम. इसका भी जवाब है हमारे पास, बट हमारा प्रॉब्लम का जवाब क्यों सॉल्व नहीं होता पता है? क्योंकि हम खुद के दोस्त नहीं है. दोस्तों की प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है ना, अगर हम अपने दोस्त होते तो हमारा सलूशन हमको मिल जाता. आईने के सामने अगर बोलते कि यार हे तू ना यार मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, पता तेरी प्रॉब्लम क्या, ये रहा सलूशन, ये रहा सलूशन. कभी आईने के सामने ऐसे बैठ के बात की है क्या? कहाँ नहीं खाया है? कहाँ जा रहे भाई? अंदर जा रहे भैया. खा ले. अरे बाहर फुटपाथ पे ठेला लगा, वहाँ जाके खाना खाओ ना. हा? अच्छा ये गलत समझ रहा है. अरे चमन ये सेठ धनराज है. नाम धनराज होने से धनराज नहीं होता, पाकड़ में धन का राज होना चाहिए. चलो बुढ़ा यहाँ से. अबे ओए तू हाथ पांव से तगड़ा तो बहुत बकवास कर रहा है, घुस के मारूंगा मैं. ओए मैं चूड़ियां पाई है ने? और पाई नहीं है तो पवा देंगे. अरे बेटा ये इनसे झगड़ा नहीं करते, ये अपने टीचर है, ये अपने को सिखा रहे हैं कि दुनिया में आदमी की नहीं उसके कपड़ों की उसकी थन की कदर होती है. आज तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला बता दो. हरी बज़्म में राज की बात कह दो. हाँ हाँ कह दो. तो सुनिए, बड़ा झूठ इसलिए कि आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही नहीं. बड़े झूठ का जमाना है साहब. जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलते हैं उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है. जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं वो नेता और लीडर कहलाते हैं. व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ तिजोरी में उतना ही ज्यादा रुपया. मैं तो इस बड़े झूठ के मैदान का एक बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूँ. कुछ पढ़े लिखे हो? जी मैं ज्यादा नहीं, लेकिन अकल है. तो फिर हमारे कुछ सवालों का जवाब दो. सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती. दोस्ती वो क्यों? जी साहब जी वो दोस्ती रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है. और सबसे खतरनाक दुश्मन? कोई गहरा या पुराना दोस्त. तुम्हारा आखिरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया.